वो भ्रम भी दूर हो जाएगा परसों। सपा हाफ है, कांग्रेस साफ है, बसपा माफ है। वो सारे एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार जो नारा था, उसके लिए यूपी की जनता को बधाई। परसों फिर देंगे जब परिणाम आएंगे। माननीय मोदी जी के कुशल और सफल नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, कुशल शिल्पी संगठन के, इन सबको बहुत बधाई और जनता का बहुत आभार। सर, एक बजे बैरसिया जा रहे हैं दिग्विजय सिंह प्रदर्शन करने, बहुत क्या मामले में? यार देखिए तो सर, आप क्या मजाक है, जिसने गौचर की भूमि गायब कर दी वो गौशाला का निरीक्षण करने जा रहा है। अब इससे हास्यास्पद और क्या होगा? प्रदर्शन में शामिल होने इससे हास्यास्पद क्या होगा? जिसके समय में कत्ल खाने चला करते थे वो प्रदर्शन करने जा रहा है। ये डेमोक्रेसी की विडंबना ही है। जिनने किसान के कर्जे माफ करने के नाम पर धोखा दिया वो किसानों की बात कर रहे हैं, जिनने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर धोखा दिया वो नौजवान की बात करते हैं। यह डेमोक्रेसी की विडंबना ही है और क्या है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82 प्रकरण नए आए। मैं यहां यह कहना प्रासंगिक मानता हूं कि अब 3 डिजिट से हम 2 डिजिट पे आ गए हैं, 2 डिजिट पे आ गए हैं। माई चाहेगी तो बहुत जल्दी हम शून्यता की ओर बढ़ेंगे। जो ठीक हुए हैं वो 191 लोग ठीक होकर घर गए हैं। 928 एक्टिव केस कुल मध्य प्रदेश में बचे, ये हम 1000 से नीचे आ गए, मतलब 4 डिजिट से नीचे यहाँ आ गए। कल और आज पिछले 24 घंटे में जो सैंपल लिए गए वो 41385 है। संक्रमण दर हमारी 0.020 अब कुल रह गई है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.4 हो गई है। कल मैंने कहा था कि हम बहुत तेजी से 98 पुरानी स्थिति में पहुंच रहे हैं, वो हम आ गए। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिस का जवान हमारा संक्रमित नहीं हुआ है। अब पुलिस के कुल 10 एक्टिव प्रकरण मध्य प्रदेश में हैं। पिछले 24 घंटे में 51367 वैक्सीनेशन संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 11,40,20,018 कुल वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है। एक इतर विषय, एक बार अभी तक हमारे यूक्रेन से 496 लोग सकुशल लौट आए हैं। सुमी एक जगह है जहां पर अभी युद्ध चल रहा है, वहां पर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। अगर मध्य प्रदेश के हों तो गृह विभाग को, उनके स्वजन परिजन जो आपको देखते हों सुनते हों आपके चैनल को, वो जरूर अपनी जानकारी करेक्ट करके गृह विभाग को सूचित करें। मुख्यमंत्री जी 300 करोड़ की सौगात देंगे, ये अच्छी बात है, पर भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है, संवाहक है। हमारी मान्यता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। और इसलिए आप देखेंगे कि सास की सेवा में भी 7% की वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार में महिलाओं की सर्विस के अंदर हुई है, जो एक अपने आप में बड़ी वृद्धि है। प्रदेश के अंदर आज हमारी सभी बेटियां जो पुलिस में हैं वो ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रही हैं।
जीवन को गति देने वाली मात्र शक्ति, अनियंत्रित गति को भी नियंत्रित करने का काम आज सारे प्रदेश के अंदर वो स्वयं करेंगी। हमारी सरकार है जिसने निकाय में, पंचायत में, सब जगह आरक्षण दिया, पुलिस भर्ती में, शिक्षकों की भर्ती में, और जो हमारे नवाचार किए गए शिवराज सिंह जी और मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे वो कन्या विवाह हो, जो पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार किए, हम नारी शक्ति को नमन करते हैं। मेरी मान्यता है कि अगर हमको शक्ति चाहिए तो हम दुर्गा माँ के पास जाते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाते हैं, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माँ के पास, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माँ के पास जाते हैं, ममता चाहिए तो यशोदा माँ के पास जाते हैं, जननी चाहिए तो गौरी के पास जाते हैं, और प्रलय के लिए हम काली के पास जाते हैं। ये सारी शक्तियाँ आज की नारी के पास में है, और इसलिए यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही देश है जो भारत को माँ कहता है। विश्व के अंदर कोई देश और नहीं है जो अपनी धरा को पूजनीय मानता हो। आपने सुना कभी पाकिस्तान फादर, इंग्लैंड डैडी? नहीं सुना होगा आपने। पोलैंड मदर? नहीं सुना होगा। ये सिर्फ भारत ही है। हम कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीश, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ऐसी राय की नहीं।